दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एंड टी नेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के छोटे टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है मौलिक अधिकार। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फर्स्ट पेपर के संबंधित प्रत्येक टॉपिक से वीडियो मिल जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबे अध्ययन के बाद बनाए गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर 20-20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के कम से कम 100 सेट मिलेंगे जिसमें 2000 क्वेश्चन है और पूरे सिलेबस को 2000 क्वेश्चनों में समेट के रखा गया है। दोस्तों इसमें से 50% क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो दो बार के कंप्यूटर रेस और पिछले 10 सालों के पेपरों में आ चुके हैं और क्वेश्चन दूसरे ऐसे हैं जो आने की संभावना है और यह सभी क्वेश्चन बड़े ही अध्ययन के बाद बनाए गए हैं। दोस्तों आपको खुद देखोगे तो इनको देखने के बाद लगेगा कि आपकी यह आपके नेट और GRF दिलाने में कितनी बड़ी मदद कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कुछ वीडियो ऐसे भी बनाए जा रहे हैं जो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बार बार थोड़े से चेंजिंग के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो वह क्वेश्चन भी और साथ में उस क्वेश्चन की फुल डिटेल ताकि भविष्य में वह क्वेश्चन या उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप आसानी से कर पाए। दोस्तों आप को मैं बता दूं हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें। मेरा कोई यूट्यूब चैनल बनाने का फाइनेंस बेनिफिट का कोई मकसद नहीं है दोस्तों। सिर्फ मैं एक जॉब करता हूँ और काफ़ी अच्छा जॉब करता हूँ जिसमें मेरा भरण पोषण हो जाता है दोस्तों। लेकिन जो जॉब करते हुए मैं नेट क्वालिफाई किया और 64% जो कि 60 से ऊपर के नंबर अच्छे माने जाते हैं पास किया और मैंने जो अध्ययन के दौरान नोट्स बनाए उनको मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ और वो भी जो है मैं आपको हिंदी माध्यम से हिंदी में टाइप करके पूरी डिटेल दे रहा हूँ। मैंने देखे हैं बहुत सारे चैनल हैं जो पढ़ाते तो हिंदी में हैं लेकिन उनका मटेरियल ज़्यादातर इंग्लिश में होता है और हिंदी माध्यम के छात्रों को बड़ी मुश्किल होती है। या मैं आपको हिंदी के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए जो हिंदी के माध्यम के छात्र हैं उनसे कौन कौन से शब्द जो है नेट में किसके लिए क्या यूज करते हैं वो भी मैं वीडियो में आपको सब बता रहा हूँ या एक ही चीज़ को किस किस नाम से नेट में पूछा जा सकता है ये सब चीज़ें। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आप इसको अगर लाइक करेंगे तो मेरे को एक फ़ायदा होता है कि मेरे को लगता है जो मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ वह आपके काम की है और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है और मेरा मनोबल भी थोड़ा बढ़ता है। चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले इसमें है समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है दोस्तों। इससे पहले भी मैं बता दूं 12 और 13 अनुच्छेद भी मौलिक अधिकार में आता है जिसमें जो है मौलिक अधिकार की रूपरेखा बताई गई है और समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 में आता है। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है दोस्तों। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर तो इसमें जो है अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। और चौथा है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, किसी को भी शिक्षा एवं संस्कृत संबंधी अधिकार जो है 29 और 30 में दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह 32 में दिया गया है। तो दोस्तों यह जो है आपको किस कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में क्या दिया गया है इससे क्वेश्चन आ जाता है। आपको इस वीडियो में मैं मौलिक अधिकार की विशेषता बताऊंगा, एक वीडियो अलग से बताऊंगा जो आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक प्रत्येक अनुच्छेद में क्या दिया गया है। एक वीडियो मैं ऐसे भी बनाऊंगा दोस्तों जिसमें कुछ भारतीय और विदेशियों को भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं या अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त हैं, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन विदेशियों के बारे में पूछा जा चुका है। तो अभी मौलिक अधिकार की विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम। तो मौलिक अधिकार को 8 भागों में विभाजित किया, कितने 8 भागों में विभाजित किया गया है। अनुच्छेद 12 और 13 में मौलिक अधिकार की रूपरेखा बताई गई जो मैंने आपको बताया था
उसमें 12-13 नहीं था, तो इसमें रूपरेखा केंद्र एवं राज्य पर ही बांधे नहीं है। मौलिक अधिकार जो है ये ना सोचे केंद्र और राज्य पर ही बांधे हैं, ये कोई भी संस्था है उस पर जिला पंचायत ग्राम पंचायत कोई भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन सभी पर ये बांधे हैं, सभी जगह लागू होंगे। अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर भी ये लागू होगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उसको समानता का अधिकार ना दिया जाए या उसको शोषण किया जाए किसी भी जगह दोस्तों, या केंद्र राज्य पे ही नहीं किसी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन पंचायत जिला पंचायत सभी जगह लागू होंगे, इसकी ये विशेषता है। चौथा पॉइंट है मौलिक अधिकार असीमित एवं निरपेक्ष नहीं है। यह क्या असीमित नहीं है, क्योंकि हर मौलिक अधिकार के साथ उचित प्रबंध किया गया है। इन जो आपको मौलिक अधिकार दिए हैं इनकी कोई असीमित नहीं है, इनको सीमित किया गया है कि आपका अधिकार कहाँ तक बनता है, आप कहाँ तक अधिकार की डिमांड कर सकते हैं। पांचवा है अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात के समय, जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का 358-59 है उसमें आपात के समय इनका निलंबन किया जा सकता है, किया जा सकता है वह जो संसद और राष्ट्रपति की संसद के बाद राष्ट्रपति के विवेक पे होता है। दूसरा इसमें जो है छठा पॉइंट है अनुच्छेद 32 जो हमारा संवैधानिक उपचारों का, और वह 226 के तहत उच्च न्यायालयों की मूल अधिकार के, जो उच्च न्यायालय है उनके मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायिक पुनर्लोपन की शक्ति प्रदान है। तो दोस्तों आज के जो है आपके मौलिक अधिकार जो कितने तक हैं, जैसे मान लिया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण का, उसके अलावा विशेषता, एक वीडियो आपको इसमें मिलेगा मौलिक अधिकार जो विदेशी और भारतीयों दोनों को अधिकार है, एक वीडियो आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक प्रत्येक अनुच्छेद में क्या है वो वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।